हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि दोस्तों आप अपने मोबाइल से घर बैठे आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आधार कार्ड को किस तरीके से अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है, उसका PDF किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ बताने वाला है। तो वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे सूरज की टेक 25 में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड को अपने मोबाइल फोन में घर बैठे किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के डेटा को चालू कर लेना है। दोस्तों आपको भी अपने मोबाइल में चालू कर लेना है। तो दोस्तों मोबाइल के डेटा को चालू करने के बाद अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। चलिए मैं गूगल क्रोम को दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे फ़ोन में देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में ये गूगल क्रोम ये रहा। यदि दोस्तों आपके फ़ोन में गूगल क्रोम नहीं है तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र हो उसको आप ओपन कर लेना दोस्तों, जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल BC ब्राउज़र, UC ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हो उसको ओपन कर लेना। मेरे में गूगल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही गूगल पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे आपको, उसके बाद आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है UIDAI, ओडई यानी UIDAI आपको इतना टाइप करना है और सिंपली सर्च कर देना है। इतना दोस्तों सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले नंबर पर UIDAI government.in इस तरीके की वेबसाइट, पहले नंबर पर दोस्तों आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी पर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप पहली वेबसाइट पर यानी इस तरीके की वेबसाइट दिख रही होगी, आपको सिंपली इसी तरीके की वेबसाइट पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों साइड में आप 3 डॉट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिंपली आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पर टिक कर देना है। यदि आपके डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पर टिक नहीं है तो दोस्तों इसको टिक कर देना है। टिक करने से दोस्तों आपको क्या होगा, टिक करने से दोस्तों आपका क्या होगा, जो आपकी जो विंडो है ये दोस्तों आपकी डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यानी इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार प्राप्त करें। इसमें दोस्तों सिंपली आपको इसी पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आधार प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पर। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ दूसरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, कुछ देख सकते हैं इस तरीके का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आधार डाउनलोड करें। अब दोस्तों आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आधार डाउनलोड करें उस वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना। उसके बाद विंडो ओपन होगी, प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। मेरा दोस्तों यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो आधार कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइट है, मैं दोस्तों वहाँ पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली आधार नंबर पहले ऑप्शन में यहाँ पर आपको जो आधार नंबर 12 डिजिट का जो दोस्तों नंबर होता है वो आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है, आधार कार्ड नंबर। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, आपको भी डाल लेना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड का जो 12 नंबर डिजिट है मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा भरें, आपको सिंपली इस वाले दूसरे वाले ऑप्शन में जो ये दोस्तों कैप्चा देख पा रहे हैं ये वाला, इस वाले को इस वाले में टाइप कर देना है। तो चलिए मैं भी भर लेता हूँ, आप भी भर लो। दोस्तों इन दोनों कॉलम को भरने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, OTP भेजें, सिंपली आपको सेंड OTP इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे, आपके अकाउंट मतलब जो आधार कार्ड है उसमें जो भी आपके मोबाइल नंबर उस पर लिंक होगा आधार कार्ड से, उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वहाँ से दोस्तों आपको सिंपली मैं दिखा देता हूँ, देख ही सकते हैं मेरा आधार की तरफ से एक मैसेज आया है जिसमें OTP दिया है। सिंपली दोस्तों आपको इसी OTP को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लगाया उसी पर एक OTP आएगा। OTP वहाँ से दोस्तों कॉपी करने के बाद आपको एंटर कर देना है और सबमिट कर देना। सबमिट जैसे दोस्तों कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, चूज़ वेयर टू डाउनलोड, यानी आप अपने आधार कार्ड का जो PDF है वो कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, इस तरीके का पॉपअप आएगा। अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके आप आधार कार्ड को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जो आपका आधार कार्ड है उस PDF को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना नाम डाल लेता हूँ, ये दोस्तों मेरे नाम की यहाँ पर PDF जो मेरा आधार कार्ड है
वो मेरा आधार कार्ड, मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया है, उसी नाम से दोस्तों सेव हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन कर लेगा, देख सकते हैं मेरे डाउनलोड है, ये फोन गेम फोन की स्टोरेज है, और जहाँ पर देख पा रहे हैं SD कार्ड, ये मेरी मेमोरी एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल अलग से मेमोरी है वो वाली मेमोरी है दोस्तों। यदि आप इसी पर रहने देना चाहते हैं तो ठीक है। अब दोस्तों आपको सिंपली डाउनलोड पर सिंपली क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर दोस्तों जैसे ही क्लिक कर देंगे देख सकते हैं आप, बधाई हो आपका आधार कार्ड सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। मतलब दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद आपका जो डाउनलोड आधार कार्ड का जो PDF है वो सफलतापूर्वक आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर सेव हुआ है। तो चलिए इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाएँ, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल हट जाओगे। अब दोस्तों आपको ये सारा कुछ हटा देना है, ये सारा कुछ हटा देने के बाद अब दोस्तों जाना है आपको अपनी फ़ोन की गैलरी में। मैं जाता हूँ दोस्तों आपको अपनी अपनी फ़ोन की गैलरी में। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों मेरी यहाँ पर गैलरी ओपन हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप YouTube से Google से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने वहाँ से ओल्ड आउट जो आधार कार्ड की दोस्तों वेबसाइट है वहाँ से जो मैंने PDF डाउनलोड किया था अपने आधार कार्ड का, देख सकते हैं मेरा सूरज कुमार, और सिंपली इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, मेरा ये PDF है आधार कार्ड वाला। जैसे ही दोस्तों मैंने इस PDF के ऑप्शन पर क्लिक किया उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दोस्तों लोड हो रहा है, देख सकते हैं मेरा यहाँ पर PDF दोस्तों मेरा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर दिस फाइल इस प्रोटेक्टेड, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर दोस्तों जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो दोस्तों वहाँ पर एक PDF को इस वर्ड से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी पासवर्ड एक सिक्योरिटी दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे पता चलेगा, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें पासवर्ड क्या होता है, किया जाता है। आपको सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोस्तों आपका नाम देखना है, आपका नाम क्या है। मेरा नाम दोस्तों जैसे कि सूरज है, मेरा नाम सूरज है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी कैपिटल में यानी बड़े अक्षरों में आपको अपने नाम के 4 अंक मतलब 4 अक्षर बड़े में यहाँ पर टाइप करना है। मैं कर देता हूँ S, जैसे कि मेरा नाम सूरज है तो SURA 4 अक्षर हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि देखना है। जन्मतिथि में दोस्तों देखना है कि आपकी जो जन्मतिथि के लास्ट 4 अक्षर हैं, जैसे कि मेरी दोस्तों जन्मतिथि है, मेरी जन्मतिथि है दोस्तों, मैं अपनी जन्मतिथि की, जैसे कि आपकी जन्मतिथि के एंड में क्या है, 2006 है, 2002 है, 1 है, 1980 है, क्या है, वो दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। मेरा दोस्तों 2002 है तो मैं सिंपली यहाँ पर 2002 यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, इतना डालने के बाद ओपन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड है दोस्तों प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर आपकी डिवाइस पर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल में, अपने मोबाइल में घर बैठे आधार कार्ड दोस्तों प्रॉपरली तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो दोस्तों पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि इसी तरीके की मैं वीडियोज़ पर अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।